हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको पांच साईफाई जॉनरा की टाइम ट्रैवल मूवीज़ बताने वाला हूँ जिन्हें आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। और इस लिस्ट की मूवीज़ में आपको टाइम ट्रैवल के साथ साथ एलियन अटैक्स मूवीज़ का भी टच मिलेगा। सो हमारे पहले नंबर की मूवी है लूपर। इस मूवी में कहानी एक बंदे की है जिसका नाम जो होता है और वो होता है एक लूपर, जो कि एक हत्यारा होता है और लोगों को मारता है। मैं समझा दूं, जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट किलर होते हैं वैसे ही होता है। बट इसमें ऐसा नहीं है कि इसने सुपारी दी और बंदा ढूंढने निकला और ठोक दिया। इसमें अलग ही ट्विस्ट है। इसमें सीन ऐसा है कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इन फ्यूचर किसी को मारना है तो वो उस बंदे को पास्ट में भेजते हैं जहाँ एक लूपर होता है, और वो लूपर उस बंदे को पास्ट में ही खत्म कर देता है। पर जो लूपर होता है जो, उसकी लाइफ में दिक्कत तो तब आ जाती है जब फ्यूचर से वो ऑर्गेनाइजेशन उस बंदे को भेज देती है मारने के लिए, जो वो खुद ही होता है, उसका फ्यूचर सेल्फ, मतलब फ्यूचर वाला जो। तो अब देखना ही है कि जो उसे मारेगा या नहीं मारेगा, या मार पाता भी है या नहीं मार पाता। अब इस मूवी में आगे क्या होता है वो आप मूवी देखकर जानिए। हमारी अगली मूवी है सोर्स कोड। मूवी में कहानी एक आर्मी हेलीकॉप्टर पायलट स्टीवन की है जो सीक्रेट मिलिट्री सर्विस से होता है, और उसका मिशन यह है कि फ्यूचर से पास्ट में जाकर जो पास्ट में एक ट्रेन ब्लास्ट हुआ है उसे रोकना है। और वो कैसे फ्यूचर से पास्ट में जाता है और कैसे उस ब्लास्ट को रोकता है वो आप इस मूवी में देखिए। सो गाइज, हमारी अगली मूवी है एज ऑफ टुमारो। इस मूवी की स्टार कास्ट में आपको टॉम क्रूज देखने को मिलेंगे। अब इसमें टॉम क्रूज है तो एक्शन भी है, और एक्शन है तो सेटिस्फेक्शन भी है। सही कह रहा हूँ ना? एक्चुअली इस मूवी में कहानी है कि वर्ल्ड पर एक ऐसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन ने हमला कर दिया है, मतलब जिन्हें फ्यूचर में क्या होने वाला है ये भी पता होता है, और वो टाइम को कंट्रोल भी कर सकते हैं, मतलब टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। मतलब इसमें अगर कोई भी एक एलियन मर जाता है या कोई भी एक ऐसा अटैक हो जाता है जिसमें इंसान जीत रहे होते हैं, तो जो एलियन का बॉस होता है वो टाइम को रिवाइंड कर देता है। तो ऐसे में एक स्पेशल आर्मी तैयार करी जाती है एलियन से लड़ने के लिए, और हमारे एक्टर टॉम क्रूज एज अ मेजर एक एलियन से लड़ते हैं। तो किसी तरह से टाइम कंट्रोल करने की पावर उनके अंदर आ जाती है। कैसे वो वर्ल्ड को एलियन से बचाते हैं ये स्पेशल पावर मिलने के बाद, वो आप इस मूवी में देखिए। हमारी अगली मूवी है द एडम्स प्रोजेक्ट। इस मूवी में कहानी एक टाइम ट्रैवलिंग फाइटर पायलट एडम की है जो टाइम ट्रैवल तो कहीं और कर रहा होता है, पर क्रैश लैंडिंग होने के कारण वो किसी और टाइम में ही जाकर गिर जाता है, और वहां वो मिलता है अपने बचपन से, मतलब बचपन वाले छोटे एडम से। तो अब ये दोनों कैसे टीम अप करते हैं और कैसे फ्यूचर को बचाते हैं, वो आप इस मूवी में देखिए। हमारी अगली मूवी है द टुमारो वॉर। इस मूवी में कहानी यह है कि फ्यूचर में एलियंस ने वर्ल्ड पर हमला कर दिया है, और वो इतने पावरफुल हैं कि फ्यूचर की आर्मी उनसे लड़ नहीं पा रही और मारी जा रही है। मतलब ये हाल है कि अब फ्यूचर में सोल्जर्स बचे ही नहीं है, तो कुछ ऑफिसर्स फ्यूचर से पास्ट में आते हैं ताकि पास्ट से लोगों को आर्मी में भर्ती करके फ्यूचर में ले जाए ताकि वो एलियन से लड़ सके। तो इसी बीच एक फैमिली मैन डैन फॉस्टर फ्यूचर में जाता है और एलियन से लड़ता है। तो वो फ्यूचर से अब बच के वापस आ पाता है या नहीं आ पाता, या एलियन से लड़ पाता है या नहीं लड़ पाता, वो आप इस मूवी में देखिए। सो गाइस, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।